स्कूटी लेकर ये सीधे नहर पे लगाई इनने और फिर इनने जो किया वे सुबह फिर बेहतर लिया इनने रात गया सी ये सरपंच आया था रमेश उसने बताई तो वो उसके साथ गया फिर उसने देखा यही फिर पूरा दिन चले थी भाई गांव में एक दो मौत भी हो जाए ना घर में तो पूरा गांव कुड्डा हो जाएगा कर गांव का नाम वो है तो ये भी इस कहानी में मेरे भाई के चार आदमी गए हैं घर खाली होया है लेकिन देखो घर तो खाली हो गया उन्होंने आत्महत्या भी कर ली लेकिन पूरी कहानी का न्यू नहीं पे लग रहा पूरी तो छोटो थोड़ी सी का भी न्यू नहीं पे लग रहा यह कहानी ने सोच घर परिवार किसा है इनका घर परिवार बढ़िया है इसको दिक्कत ना है था रिटायर्ड है है रहा दो तीन किले आओ इनके और चौक पे मेघना चौक पे दुकान है इनकी किराए क्रोयाओ ऐसी कोई दिक्कत ना थी रुपया दे लेगी और तंग नहीं है पैसे दे लिए तो कोई दिक्कत ना थी दादो यहाँ फौज थे सूबेदार थे रिटायर्ड आ रहा था और भाई भी फौजी जी था इसका पैसा पैसा कोई थोड़ा थोड़ा बहुत शरीफ था यो यो गए किसी ने कहा गलत नहीं बोल के चलया आज तक सब तैराम राम, राम करके चल रहा है और मतलब भाभी भी सही थी ऐसी कोई दिक्कत ना आती थी हैं पानी है, कितना गहरा होगा इसमें इसमें पानी होगा जी पंद्रह सोलह फुट तो होगा बारह नॉर्मल चाहिए पंद्रह ऊपर ही होगा जी इस कम तो ना है वो, वो तो खैर देखो वो तो भाई हम भी जाने कुछ मरण तो ये थे जब भी पेट का है, है, कल का मन मुटा हो या और कोई बात हो तो मर जाए उन बड़का ने क्या देखा था बड़का ने तो जी क्या बता इसके बारे में तो देखो घर की होगी कुछ होगी तो लेकिन ऐसी उनमें मतलब दिक्कत तो ना आती इस घर में भाई ये कर्जे किसी ने सोची भी ना थी ऐसा हो जाएगा यू तो तीन से चार साल पहले सारे भाई आज याद होता हैं दिल्ली बुरा एक पूरा पूरा परिवार मरिया था वो अंधविश्वास के चक्कर में हुआ था कुछ हिस्सा लग गया है यानी चक्कर में या एक हुई है ना ना ऐसी कोई दिक्कत बड़ी बात कोई दिक्कत जी

भाई फोन काना की से और गड़ा की चैन सोना की और आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स थे और पर्स वगैरह स्कूटी के ऊपर रख रखे थे सारी बैग के में और खिलौने वगैरह भी थे बालका के कपड़े लत्ते भी थे सारी चीजें थी उसमें बाहर ने रख रखी थी स्कूटी में उसकी चाबी लग रही थी जाओ में लूट खुलट वाली बात यह भी कौन नहीं थी क्यों करते